가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 예쁘게 말하고 싶었지만 हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ चैनल। आज है संडे और आप सोच रहे हैं बहुत रिलैक्सिंग वाला डे है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। संडे को भी बहुत ज़्यादा काम होता है और वो होता है घर का काम। और घर को मतलब रोज़ तो काम होता ही है, लेकिन संडे को घर को स्पेशल टाइम देना पड़ता है क्योंकि पूरा दिन घर पे रहते हैं और पूरे वीक का फिर से रेडी होना होता है। और क्योंकि जो चीज़ें नहीं होती हैं घर में उनको लेकर आना पड़ता है और फिर नेक्स्ट वीक पूरा मतलब इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग सारा घर ऑर्गेनाइज़ कर दे या सब मतलब प्रिपरेशन जो है वो संडे को ही होती है नेक्स्ट वीक की। तो संडे बस एक छोटा सा पॉज होता है वीक का जिसमें पूरा मतलब हमको रिचार्ज होना पड़ता है नेक्स्ट वीक के लिए। तो ये मेहनत वाली बातें थोड़ी देर में कम कर देती हूँ और खाते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट। और देखिए, कल मैंने सिर्फ आइसक्रीम देखी थी और मुझे सर्दी हो गई, तो सोचिए खाने से क्या हाल होगा। अभी मैंने खाई नहीं है, उसको मैंने फ्रिज में छुपा के रख दिया है, तो पता नहीं मैं कब खाऊंगी, लेकिन जब भी खाऊंगी आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं खा रही हूँ डोसा, तो आप भी आ जाइए मेरे साथ डोसा पार्टी में। और कल के लिए भी मतलब बैटर है ही है, जैसे मैंने व्लॉग में कहा था कि साउथ इंडियंस के फ्रिज में हमेशा डोसा इडली बैटर होता ही होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मुझे मिल गया था कुछ सामान किचन का और ये था अमेज़ॉन से। और मैंने सोचा है आज ना इस व्लॉग को इंटरेस्टिंग बना देते हैं और आपसे शेयर कर देते हैं कि क्या आया है अमेज़ॉन से। तो फ्रेंड्स, आप ना व्लॉग को एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। उन बॉक्सेस में क्या है किचन के लिए, अरे बाप रे, मैंने तो बोल ही दिया किचन के लिए है। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है मैं जो भी चीज़ें मंगवाती हूँ ज़्यादातर किचन से रिलेटेड होती हैं क्योंकि वो मेरा फेवरेट है किचन। तो चलिए फटाफट से ना मैं डोसा खा लेती हूँ, आप भी ना चाय या ब्रेकफास्ट कर लीजिए और व्लॉग को देखते रहिए फ्रेंड्स। और फ्रिज में वेजीज़ भी ख़त्म हो चुकी हैं और एग्स भी, तो लास्ट 2 eggs थे उसका मैंने एग डोसा बना दिया है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। बहुत गर्मी है यहाँ पे, तो बाप रे आज का दिन मतलब इतना गर्म है। कल मैं व्लॉग में बोला था कि इतना सुंदर दिन है, तो आज सही में इतना गर्मी हो गया है यहाँ पे। किचन के लिए मैंने कुछ मंगवाया था जो किचन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और डेली लाइफ में तो बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस वाले बॉक्स में क्या है। और यहाँ पे आपसे बात करने से पहले मैंने इसको बॉक्स को ओपन किया था, तो देखिए इसमें है बोरोसिल का इलेक्ट्रिकल 1.8 liters का ग्लास केटल। केटल्स तो मैंने बहुत ज़्यादा देखे थे अमेज़ॉन में, लेकिन ये वाला मेरा फेवरेट है क्योंकि ये पूरा ग्लास का है और जब इसको आप ऑन करोगे तो इसमें LED लाइट भी है और बहुत खूबसूरत है और बहुत जल्दी इसमें वाटर मतलब गर्म हो जाता है बिल्कुल चुटकियों में। और इसका जो अपीरियंस है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है सही में। फ्रेंड्स, ये वाला प्रोडक्ट ना किचन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको 2 seconds मतलब 2-3 seconds में आपका आप अगर इसमें वाटर डालोगे तो इतना मतलब पानी गर्म हो जाएगा, तो ठंडियों के मौसम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है किचन के लिए। तो अगर आप कोई सब्ज़ी बना रहे हो, आपको मतलब किसी किसी रेसिपीज़ में फटाफट से चाहिए होता है गर्म पानी, तो आप 1 second में कर सकते हो। और फिर ग्रीन टी के लिए कर सकते हो, या हॉट वाटर आपको चाहिए फटाफट से तो आप कर सकते हो इसमें।
तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल सा चीज़ है। और इस ये ग्लास का तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा, इसमें LED लाइट है, जब ये ऑन होगा वाटर बॉयल होगा तो इसमें मतलब नीचे जो है LED बल्ब ब्लू कलर का ऑन हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मैं वीडियो में आपको शेयर भी करूँगी कि मैंने इसमें किस तरह से बॉयल किया है वाटर। तो फ्रेंड्स, इसके साथ जो एक कार्ड आता है, मतलब जो हर इलेक्ट्रिकल चीज़ के साथ आता है, अप्लायंस के साथ, तो उसमें आप देख सकते हो कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। बहुत ही इजी है, बस इसमें आपने वाटर डालना है और मतलब स्विच ऑन कर देना है, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो ये मेरा जो केटल है वो 1.8 लीटर्स का है और सारे ही इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर लिख दिए गए हैं। तो इसमें मॉडल्स भी बहुत सारे हैं, आप कोई भी मॉडल चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये ग्लास का पसंद था इसलिए मैंने ये वाला लिया फ्रेंड्स। तो देखते हैं मैंने और क्या ऑर्डर किया है। तो जब जग लिया है हॉट वाटर का, तब पानी भरने के लिए कुछ और भी चाहिए था मुझे। तो देखिए कितना सेफली आ जाता है अमेज़ॉन से, इतना अच्छा पैक होके। तो ये मैंने एक ग्लास का जग मंगवाया है जो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था, और मतलब स्टाइलिश सा उसका लुक है, बहुत प्यारा था। तो देखिए कितना सेफली रीच हो गया है। तो इस तरह का ये जग है, इसका वुडन का जो लिड है वो दिया है, बहुत प्यारा सा। तो मैं इन दोनों चीज़ों को एक ही साथ डेकोरेट कर देती हूँ किचन में। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल था मेरे लिए, इसीलिए मैंने ये चूज़ किया था। तो ये जग आप देख सकते हो कितना क्लियर ग्लास का है, बहुत प्यारा सा जग है फ्रेंड्स। ये भी 1.5 लीटर्स का जग है, तो इसका भी मैं लिंक आपको दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, और केटल का भी लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से जाके शॉपिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। किचन के लिए कुछ भी चीज़ें लेना तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है मुझे, और सबसे फेवरेट है मेरा किचन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले कार्ड में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और जैसे आपको यूज़ करना है, और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आपको बॉक्स पे भी मिल जाएगा और अंदर जो कार्ड है उस पे भी मिल जाएगा। तो चलिए ये वाले कार्टन्स मैं रख देती हूँ, इससे कोई DIY बना लेती हूँ, फिर आपसे शेयर करूँगी जो बना दूँगी। तो अभी चलती हूँ किचन में। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और थोड़ा सा मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो कोई भी अगर न्यू चीज़ आती है तो मैं पहले किचन का ना काउंटर टॉप क्लीन कर देती हूँ, और फिर ना वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ जैसे है तो उसको निकाल देती हूँ, उसके लिए अलग जगह बना देती हूँ, और काउंटर टॉप पे ना न्यू चीज़ को ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले ना मैं ये काउंटर टॉप की जो क्लीनिंग है वो कर देती हूँ, अगर यहाँ पे कोई डस्ट है वो भी क्लीन हो जाएगी, और नई चीज़ जब सजेगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने जो लिक्विड होता है विम लिक्विड, उसी को स्क्रबर में लगा के पूरा मतलब क्लीन कर दिया है, और फिर एक वेट क्लॉथ से पूरा जो काउंटर टॉप उसको क्लीन किया है, और यहाँ का जो वॉल है वो भी क्लीन कर दिया है। तो और ज़्यादा देखिए आप देख सकते हो कितना चमक रहा है काउंटर टॉप। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों का जो मतलब जगह है वो चेंज कर दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी जगह बनानी है यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से इसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर देते हैं।
फ्रेंड्स, ये वाला कॉर्नर तो क्लीन हो गया है बिल्कुल। और खाना बनाने के वजह से किचन में इतना काम होता है, तो उसके वजह से किचन थोड़ा चिपचिपा हो ही जाता है। तो हमको हर वीक मतलब इस तरह से क्लीन कर देना चाहिए रैक्स के नीचे या जो काउंटर टॉप पे चीज़ें हैं। जब भी टाइम मिले 1 वीक में या 10 डेज़ में क्लीन करना चाहिए, ताकि जो चीज़ें हैं ज़्यादा गंदी ना हो और आपको डीप क्लीनिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। ओनली फेस्टिवल्स में आप कर सकते हो डीप क्लीनिंग, क्योंकि इतना ज़्यादा आजकल मतलब टाइम नहीं होता किसी के पास। तो इसीलिए इसको वीकली क्लीनिंग अगर आप कर लोगे घर की, तो आपको मतलब राहत मिलेगी डीप क्लीनिंग के टाइम, इतना ज़्यादा काम आपको नहीं रहेगा। तो मेरा जो किचन का फेवरेट चीज़ है, आज मुझे रीच हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इसको मैं सजा लेती हूँ और इसको ऑन करके भी आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं किचन के लिए कुछ भी छोटी सी छोटी चीज़ भी लूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे किचन को सजाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जितनी भी चीज़ें अगर आप मतलब मैं देखूँ, तो मुझे सबसे पहले मैं कोई भी किचन के लिए ही लेना पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये ग्लास का केटल। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को ना अपने किचन में ऐड कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपसे मिलूँगी कल के एक प्यारे से व्लॉग में। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल के एक प्यारे से व्लॉग में फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर फ्रेंड्स।